हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, सलमान भाई की फिल्म बारिश फिल्म 7 बजे बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस कर रही है और इस फिल्म की ऑडियंस के फैंस रिपोर्ट 7 बजे क्या चल रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही बताने इस फिल्म की अब तक की क्या कलेक्शंस आ गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना गवाए आपके टाइम वो अपने वेबसाइट पर ले चलते हैं। ये हमारा ही वेबसाइट है bollywoodbreakfast.com। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से यहां आके ये जो ऑडियंसों के फैंस रिपोर्ट है आप देख सकते हैं। साथ ही बहुत सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फिल्म की बात कर ली जाए तो फिल्म में सलमान भाई के साथ कटरीना कैफ, दिशा पटानी, नूरा फतेही और भी बहुत सारे एक्टर है जो आपको एंटरटेन करते नजर आएंगे। इस फिल्म के अगर स्क्रीन काउंट्स की बात कर ली जाए तो 4700 स्क्रीन पर इंडिया में रिलीज हुई है, ओवरसीज में 1300 स्क्रीन पर रिलीज हुई है, वर्ल्ड वाइड 6000 स्क्रीन पर रिलीज हुई है। इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा और फैंस द्वारा काफी सराहा जा रहा है और 4.5 रेटिंग से ऊपर तक की दी जा रही है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो पहले दिन इस फिल्म ने 42.30 करोड़ की कलेक्शन की, दूसरे दिन 31 करोड़ की कलेक्शन की, तीसरे दिन जो है 22.20 करोड़ की कलेक्शन की, चौथे दिन जो है 26.70 करोड़ की कलेक्शन की, वहीं पांचवें दिन जो है 27.90 करोड़ की कलेक्शन की। अगर छठे दिन की कलेक्शन की बात कर ली जाए तो हमारे पास अर्ली एस्टिमेट जो है 12 करोड़ की आ गई है। आधे घंटे में यहाँ पे कलेक्शन जो है हमारा पास अपडेट हो जाएगा, जो फाइनल आ जाएगा तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे आके। अगर इस फिल्म की अगर ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो 7वें दिन की तो मॉर्निंग में 10 से 15% के आसपास ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखी जा रही है, हालांकि 20 से 25% के आसपास भी देखी जा रही है, लेकिन ओनली दिल्ली में देखी जा रही है। वहीं अगर आफ्टरनून की बात कर ली जाए तो 20 से 25% के आसपास ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखा, इवनिंग और नाइट में करीबन 40 से 45% के आसपास तक ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखी जा सकती है, ऐसा ट्रेड एक्सपोर्ट का कहना है। क्योंकि इसकी जो एडवांस बुकिंग है इवनिंग और नाइट में वो तक अच्छी है, इसीलिए जो है 40 से 45% के आसपास ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखी जा सकती है। कलकत्ता, पुणे और चेन्नई की बात कर ली जाए तो ऑल ओवर बात कर ली जाए तो 20 से 25% के आसपास ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखी जा रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद में 25 से 30% के आसपास तक की ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखी जा सकती है। वहीं अगर 7वें दिन की ऑल ओवर की बात कर ली जाए तो 30% के आसपास तक की ऑडियंस ऑक्युपेंस रिपोर्ट देखी जा सकती है। वहीं हिसाब से अगर कलेक्शन की बात कर ली जाए तो ट्रेड एक्सपोर्ट का कहना है कि आज की जो कलेक्शन है 8 करोड़ के आसपास तक की आने वाली है। दोस्तों, ये तो था अब तक का रिपोर्ट। आगे जैसा भी रिपोर्ट आता रहेगा हमारे चैनल पे लगातार अपडेट होता रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। Subscribe my channel and press the bell icon.